रामगढ़ में अवैध खनन से हुए खड्डों से हादसे की आशंका। भारतमाला प्रोजेक्ट के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है अवैध खनन। रामगढ़ में तनोट बाईपास सड़क मार्ग के पास हो रहे अवैध खनन के बाद मौके पर बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, जो हादसे का कारण बन सके। पास ही बसी ढाणी के निवासियों ने इसका विरोध किया, लेकिन ठेकेदार ने उसके विरोध को अनसुना करते हुए अवैध खनन को जारी रखा। मौके पर पहुंचे ग्रामीण भैराराम ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जैसलमेर से तनोट तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य उपयोग होने वाले मुर्ड का ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी बरसात के मौसम में इन गड्ढों में बरसात पानी भर जाएगा, जिसे पशुधन के कालकलित होने की आशंका से नकार नहीं जा सकता। इन गड्ढों की वजह से जान माल का खतरा बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ अवैध खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। खनन विभाग व जिला प्रशासन की अनदेखी में व उन उदासीनता के कारण हो रहे अवैध खनन से हुए गड्ढों के कारण भविष्य में किसी बड़े हादसे की आकांक्षा से नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीणों ने अवैध खनन के बारे में खनन विभाग को सूचित किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। डेज स्टॉर्म के लिए रामगढ़ से खूबचंद खत्री की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर खड्डे खोद रहे हैं, 40-50 फुट गहरे खड्डे खोद रहे हैं, जबरदस्ती अवैध खनन कर रहे हैं, और गांव के नज़दीक होने की वजह से 30-40 फुट खड्डे खोदे हुए हैं। इनमें बारिश आने वाले टाइम में बारिश में खड्डे पानी से भर जाएंगे, और इससे हमारे गाँव के बच्चों और बूढ़ों और गाँव के मवेशियों को जान माल का खतरा है।